गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस इधर देखिए पूजा बैठ गया है, अब हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए और उसमें बैठेंगे क्योंकि शादी हर शादी में यही होता है कि मंत्री का पूजा होता है, भजोटे का पूजा होता है, फिर उसके बाद क्या क्या रस्म होती है ये हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और पत्तल गाड़ने का रस्म होता है, जाएंगे पत्री गाड़ने, वहाँ सब डांस वगैरह करेंगे, अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। और इस वाले ब्लॉग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें तो बार बार देखने को नहीं मिलेगा, वो तो शादी का है वीडियो। और शादी की हर रस्में हर जगह अलग अलग सिस्टम से होता है और ये चीज़ें हमारे यूपी में कैसा होता है आप लोग हमारे ब्लॉग में देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी पूनम दीदी को भी थोड़ा सा प्यार दीजिए कि हाँ आपकी पूनम दीदी थोड़ा सा आगे बढ़ सके। और अपने अगर सब बोलते हैं ना तो पूनम दीदी आप ऐसे खुश रहा करा करिए, तो जब आप लोग हमें खुश करेंगे तभी तो पूनम दीदी खुश रहे। कभी कभी तो हम तो अंदर टूट जाते हैं लेकिन आप लोग के सामने शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग वीडियो को हमारे फेसबुक पे भी फॉलो करें, पोस्ट कर रही हूँ गाइस, वहाँ भी जाके खूब ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिए। ब्लॉग में बने रहिए, मैं जा रही हूँ पूजा में। तो 88,000 से भी लोग एकत्रित होकर के अपने मन में विचार के यहाँ कि भगवान हर युग में भगवान का लेके समस्त प्राणियों को उद्धार एवं कल्याण किए हैं। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग हुआ, यह युग में जितना भी तुम्हारे नहीं उनका दुख दरिद्र यह प्रकार से दूर हुए, इसके कारण कौनों भी उपाय सोचनी चाहिए। 88,000 से ऋषि लोग नैमि सारण नगर के तट पर उपस्थित हुए थे, यह अपने मन में विचार कह रहा रहे। इतने में वेद के ज्ञाता सूत जी महाराज त्रिकुंड धारण किए, रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहने हुए, खराव पहने हुए वो 88,000 से ऋषि लोगों के पास आए उपस्थित हुए। 88,000 से ऋषि लोग सूत जी महाराज के देखे और उन्हें सष्टांग दंडवत करके आसन लेके बैठाए। तब सूत जी महाराज बैठ गया है, सब हवन की तैयारी हो रही है, इधर गुन्नू तैयार होके आ गया है, गुन्नू तैयार होके आ गया है और कैसे अपने मौसी को देख रहा है। अयोध्या देखिए कितनी तैयार है, सबसे प्यारी लग रही है मौसी जी है जो कि हमेशा खुशी रहती है सबके बीच में, खुद आप पहचान ही रहे हैं। भाभी है सब बोलते हैं, छोटी है भाभी क्यों बोलते हैं, पद तो भाभी का ही है ना गुन्नू, ये मामी है ना। हाँ कल ये रात को बॉम्बे से आई थी और इधर देखिए आज सुबह सुबह गई थी ससुराल, इनका ससुराल और मेरा ससुराल सेम जगह है, आपको पता है कि एक ही घर में हम लोग की शादी हुई है। कल रात को मुंबई से आई, इनके सारे ज्वेलरी ससुराल में ही थे तो आज ये गई ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लेके आई है गाइस। और अभी कुछ जस्ट ये पूजा में शामिल हो रही है। और इधर देखिए ये इनकी बेटी है जो की सानवी आप देखे हैं, और ये इनको देखिए गुन्नी हमारे गुन्नू हमारे पेट में है, किट्टो इधर बैठी हुई है, सब लोग पूजा में धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। तब क्या ना अभी नहीं पहन तो कल का पहनो, तब क्या ना अच्छा लगेगा। शादी में सबका ये लोग घर की बेटियां हैं ना, नहीं पूजा में अच्छा लगता है। थोड़ा सा तब कितने ससुराल में गए थे, कितने मिनट गए हो आई चाची जी से मिले थे? बस मम्मी से और छोटी चाची से मिलकर यहाँ नहीं गए थे। अच्छा टाइम नहीं था। हाँ वो तो है ही। बाबू हट जाओ यहाँ बैठने दो भाभी को। डांस होगा फीडबैक मेरा नहीं है,
जब से हम लोग आए थे देखिए सो रहे हैं पापा, जब से आए थे हम लोग पापा कहाँ है पापा कहाँ है, कल रात सुबह सुबह से बोल रहे हैं नाना आ गए पापा जब देखे सो रहे थे ना। आओ चलो हाँ भूख लगा है दूल्हा भूखा गया है। अरे दूल्हा भूखा ना चला था चल पकड़ी करवाई आवा डमडम बजे डमडम 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 चलो यार बैठ ले सब हाउस से इधर किट्टो है भाई सब इनका तू अच्छी लगा इनका थे कोबर में पूजा हो रहा है और इधर मम्मी आ गई है, ये सुग्गा गाड़ने का रस्म होता है सुग्गा सुग्गा हेलो नहीं तो ही पड़ता ना चर्च चढ़ चुका था कितनी वैल्यू चढ़ा रहे तू के वाले में तो के अरे ऊपर पानी ले अभी हां उठा पानी जगह लग बैठ गया जा अरे यार उठी आओ का चैनल लिया पत्थर ये